इसे पकड़ो, इसे जल्दी से लगा लो ताकि मेरी दीदी को शक ना हो तू लड़की नहीं लड़का है। ये ले सब मुंह में ढक ले। अब चलें? हाँ चलो। मानवी, ये कौन है और तू अपने साथ इसे घर क्यों लेकर आई है? दीदी, ये ना मेरी दोस्त है। एक्चुअली ना ये बहुत गरीब है, तो इसलिए मैं इसको अपने घर लेके आई हूँ, जिससे कुछ पुरानी किताबें और अपनी ड्रेसेस दे सकूँ। और मैंने सोचा कि इसे कुछ पढ़ा भी दूंगी, तो इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। अरे वाह मानवी, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। जो मैं बरसों से करती आ रही हूँ तू भी वही कर रही है। तूने बहुत अच्छा किया जो इसे अपने घर ले आई। वैसे इसने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है और इसका नाम क्या है? वो क्या है ना दीदी, इसके फेस पे ना थोड़े से पिंपल हो रखे हैं, तो इसलिए इसने अपना फेस छुपा रखा है। अरे ठीक है मानवी, कोई बात नहीं। मैं ना बैंक के काम से ना बाहर जा रही हूँ, जब तक तू इसको कुछ खिला दे और पढ़ा लिखा दे। ठीक है? ठीक है दीदी। अरे वाह मानवी, मान गया मैं तुझे, तेरा ये आइडिया काम कर गया। वरना तेरी दीदी तो बहुत खड़ूस है। अगर उसे पता चल जाता ना कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ, तो घर में ही नहीं घुसने देती। अब तो हम दोनों ना काफी टाइम तक एंजॉय करेंगे। वो एक घंटे की बजाय 2 घंटे बोल के गई है। अबे यार तू सही कह रहा है, मेरी दीदी ना बहुत खड़ूस है, उन्हें तो पता ही नहीं चला तू लड़की नहीं लड़का है। अब तो मेरी दीदी चली गई ना, अब हम आराम से मजे करेंगे। अब तू ये उतारेगा भी पहने ही बैठे रहेगा। हाँ यार तू सही कह दिया, रुक उतारता हूँ। यार अब कौन आ गया? यार मेरे घर में तो कोई आता भी नहीं है, दीदी के डर की वजह से। लगता है दीदी आ गई है। तू इसे पहन, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। हाँ ठीक है। दीदी आप? अरे कुछ नहीं मानवी, वो अपनी सीडीओ का जो कैमरा था ना वो सही हो गया। क्या सीडीओ का कैमरा सही हो गया? अब मैं कहीं पकड़ी ना जाऊं। अरे वो कैमरामैन मिला था, वो ना पैसे मांग रहा था, तो बस वही पैसे लेने आई थी। लेकिन मानवी तू क्यों इतना घबरा रही है? नहीं नहीं दीदी, मैं क्यों घबराऊंगी, मैंने ना थोड़ी कुछ गलत किया है। मानवी अगर अभी तक तू नहीं घबराई ना तो तुझे घबराना चाहिए था, क्योंकि तूने जो हरकत की है ना उसके लिए तुझे घबराना चाहिए था। क्योंकि तू अपने बॉयफ्रेंड को लड़की बनाकर लाई है ना, इसके लिए तुझे ना शर्म आनी चाहिए। लेकिन दीदी आपको कैसे पता चला ये लड़की नहीं लड़का है? मुझे कैसे पता चला? अरे मानवी मैं ना तेरी बड़ी बहन हूँ, और जब मैं सीढ़ियों से जा रही थी ना तो कैमरामैन मिला था मुझे, और उसने ना पूरा फुटेज मुझे दिखा दिया था। अरे ईसा मैम साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये हमारे फ्लोर में जितने भी कैमरे हैं ना वो मैंने सही करा दिए हैं। तुम झूठ बोलते हो, तुमने पहले भी ये बोला था पर कैमरे ठीक नहीं हुए थे। अरे मैम साहब मैं बता रहा हूँ ना, आप एकदम चकाचक चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखा मैम साहब, एकदम लाइव कैमरे चल रहे हैं और पिक्चर भी ना रंगीन आ रही है। मैंने बोला था ना मैंने सही करा दिए हैं। अरे ये तो मेरी बहन है, किसी लड़के को लड़की बनाकर घर में लेके गई है। देखा मैम साहब सही चल रहे हैं ना, अब तो आपको तसल्ली हो गई कि मैंने सही करा दिए हैं। तो मैम साहब आप ना मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, क्योंकि मैंने ना सारे सोसाइटी वालों से ले लिए, केवल आप ही बचे हो। ठीक है मैम साहब, लेकिन शाम को दे देना। तो इस तरीके से तेरी और तेरे बॉयफ्रेंड की सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई। अरे मानवी तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई कि मैंने तेरी वजह से इस घर में किसी को घुसने नहीं देती थी? क्योंकि मेरी छोटी बहन है यहाँ पे, और अगर बाहर से कोई भी आता है ना तो उसे मैं हैंडल करती हूँ, उसे मैं अंदर नहीं आने देती, क्योंकि मेरी छोटी बहन इस घर में रहती है और वो अगर अंदर आएगा ना तो तेरे ऊपर गंदी निगाह डालेगा, और तूने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। अरे मानवी मुझे कितना भरोसा था तेरे ऊपर कि मेरी बहन अब कॉलेज में आ गई है, पढ़ेगी लिखेगी और आगे भी मेरा नाम रोशन करेगी, लेकिन तूने तो अभी से ही मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब मेरा तो मन भी नहीं करेगा कि मैं तुझे कॉलेज भेजूं।
दीदी मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा बस दोस्त है और हम साथ में पढ़ने ही आए थे। मानवी देख, मुझे ना ज्यादा बेवकूफ मत बना। तुझे तो 8 घंटे स्कूल में मिलते हैं, वो भी तेरे लिए कम है। उसके बाद तू आकर ट्यूशन भी जाती है, फिर भी तुझे इसे घर बुला।